हेलो दोस्तों, शेयर मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन को सीखने के लिए, चार्ट पैटर्न्स को रीड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? कैंडलस्टिक को समझना। और हमने बेसिक कैंडलस्टिक के बारे में, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न और डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में ऑलरेडी बात किया हुआ है। दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑल ट्रिपल इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं और जानेंगे कि ये पैटर्न मार्केट के अंदर किस तरह से काम करता है। अगर आप भी सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, कहीं पे भी स्किप मत करना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न में पहला पैटर्न है मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। इस पैटर्न में पहला कैंडल रेड, दूसरा कैंडल रेड या फिर ग्रीन कुछ भी हो सकता है, और तीसरा कैंडल ग्रीन होता है। इसमें दूसरा कैंडल पहले कैंडल के कंपैरिजन में गैप डाउन में होता है और तीसरा कैंडल दूसरे कैंडल के कंपैरिजन में गैप अप में होता है। इसमें तीसरे कैंडल का क्लोजिंग प्राइस पहले कैंडल के 50% बॉडी के ऊपर होना चाहिए। अगर इस तरह का पैटर्न मार्केट में डाउन ट्रेंड के दौरान बनता है तो इस पैटर्न को एक अच्छा मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। इस पैटर्न के बनने के बाद मार्केट में तेजी देखने को मिल सकती है, यानी कि मार्केट में बुलिशनेस आ सकता है और ये पैटर्न बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। अब मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का ही दो टाइप हो सकता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। पहला है मॉर्निंग डोजी स्टार पैटर्न। इस पैटर्न में क्या होता है, ये वाला जो डोजी कैंडल होता है, सेकेंड कैंडल, ये कोई भी टाइप का डोजी कैंडल हो सकता है। अगर इस तरह का पैटर्न बनता है तो इसको मॉर्निंग डोजी स्टार पैटर्न बोलेंगे। और दूसरा है बुलिश अबेंडन बेबी पैटर्न। इसमें क्या होता है, ये जो दूसरा वाला कैंडल होता है, ये भी कोई भी टाइप का डोजी कैंडल हो सकता है, जो कि पिछले वीडियो में हमने डोजी के टाइप पढ़े हुए थे, चार पांच टाइप के होते हैं, उनमें से कोई भी डोजी कैंडल यहाँ पे हो सकता है। अगर ये डोजी कैंडल का हाई पहले और तीसरे कैंडल के लो के नीचे बनता है तो इस पैटर्न को बुलिश अबेंडन बेबी पैटर्न बोलेंगे। और ये दोनों के दोनों पैटर्न बिल्कुल वैसा ही काम करेगा जैसा मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न काम करता है, यानी कि ये दोनों पैटर्न क्या होते हैं, बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करते हैं और ये दोनों पैटर्न डाउन ट्रेंड के दौरान बनने चाहिए। इस पैटर्न के बनने के बाद मार्केट में तेजी देखने को मिल सकती है। अगला पैटर्न है इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। इस पैटर्न में पहला कैंडल ग्रीन, दूसरा कैंडल रेड या फिर ग्रीन कुछ भी हो सकता है, और तीसरा कैंडल रेड होता है। इसमें दूसरा कैंडल पहले कैंडल के कंपेरिजन में गैप अप में होता है और तीसरा कैंडल दूसरे कैंडल के कंपैरिजन में गैप डाउन में होता है। इसमें तीसरे कैंडल का क्लोजिंग प्राइस पहले कैंडल के 50% बॉडी के क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। अगर इस तरह का पैटर्न मार्केट में अप ट्रेंड के दौरान बने तो इस पैटर्न को एक अच्छा इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। इस पैटर्न के बनने के बाद मार्केट में मंदी देखने को मिल सकती है, यानी कि मार्केट में गिरावट आ सकती है, और इसलिए ये जो पैटर्न है बेयरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। अब इसमें भी दो टाइप के पैटर्न हो सकते हैं, जो कि इवनिंग स्टार का ही है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवनिंग डोजी स्टार पैटर्न और दूसरा है बेयरिश अबेंडन बेबी पैटर्न। इसमें क्या होता है, ये जो सेकंड कैंडल होता है ये डोजी कैंडल होता है, और ये डोजी कैंडल कोई भी टाइप का हो सकता है, जो कि पिछले वीडियो में हमने चार टाइप के डोजी पैटर्न पढ़े हुए हैं, तो उनमें से कोई भी डोजी कैंडल यहाँ पे बन सकता है। अगर इस तरह का पैटर्न मार्केट में बनता है तो इसको इवनिंग डोजी स्टार पैटर्न बोलेंगे। और अगर दूसरा यहाँ पे बेयरिश अबेंडन बेबी पैटर्न में क्या होता है, ये जो डोजी कैंडल होता है इसका लो पहले और तीसरे कैंडल के हाई के ऊपर होना चाहिए। अगर इस तरह का पैटर्न बनता है तो इसको बेयरिश अबेंडन बेबी पैटर्न बोलेंगे। और ये दोनों पैटर्न सेम उसी तरह से काम करेंगे जैसे इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न काम करता है, यानी कि मार्केट में क्या होगा, अप ट्रेंड के दौरान ये पैटर्न बनेगा। इस पैटर्न के बनने के बाद बेयरिशनेस देखने को मिल सकती है, मार्केट में ट्रेंड चेंज हो सकता है, और ये दोनों के दोनों पैटर्न बेयरिश रिवर्सल को इंडिकेट करते हैं। अगला पैटर्न है एडवांस ब्लॉक कैंडलस्टिक पैटर्न। इस पैटर्न में तीनों कैंडल ग्रीन कलर के होते हैं। इसमें दूसरे कैंडल का ओपन प्राइस पहले कैंडल के रियल बॉडी के अंदर होना चाहिए और दूसरे कैंडल का क्लोजिंग प्राइस पहले कैंडल के क्लोज प्राइस के ऊपर होना चाहिए। इसी तरह से तीसरे कैंडल का ओपन प्राइस दूसरे कैंडल के रियल बॉडी के अंदर होना चाहिए और तीसरे कैंडल का क्लोजिंग प्राइस दूसरे कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के ऊपर होना चाहिए। इसमें दूसरे कैंडल का रियल बॉडी पहले कैंडल के रियल बॉडी से छोटा होना चाहिए और तीसरे कैंडल का रियल बॉडी दूसरे कैंडल के रियल बॉडी से छोटा होना चाहिए। और इसमें दूसरे और तीसरे कैंडल का अपर और लोअर वीक पहले कैंडल के अपर और लोअर वीक के कंपैरिजन में बड़े होने चाहिए। अगर इस तरह का मार्केट के अंदर पैटर्न बनता है और इस पैटर्न के बनने के बाद अगर चौथा कैंडल तीसरे कैंडल के लो के नीचे अगर क्लोज करता है, यानी कि ये रेड कैंडल बनेगा, ओपन ऊपर में होगा नीचे क्लोज में होगा, और यहाँ पे तीसरे कैंडल के लो के नीचे अगर क्लोज करता है तो ये पैटर्न एडवांस ब्लॉक कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। ये पैटर्न अप ट्रेंड के दौरान बनना चाहिए। जब मार्केट में अप ट्रेंड हो और अगर इस तरह का पैटर्न बनता है तो इस पैटर्न के बनने के बाद मार्केट में मंदी देखने को मिल सकती है, यानी कि मार्केट में बेयरिशनेस आ सकता है, और ये पैटर्न बेयरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। अगला पैटर्न है बुलिश साइड बाय साइड ग्रीन लाइन पैटर्न। इस पैटर्न में तीनों कैंडल ग्रीन कलर के होते हैं। इसमें दूसरा कैंडल पहले कैंडल के कंपैरिजन में गैप अप में होता है और दूसरा और तीसरा कैंडल लगभग समान होते हैं। दूसरे और तीसरे कैंडल का लो पहले कैंडल के हाई के ऊपर होना चाहिए।
अगर इस तरह का पैटर्न मार्केट के अंदर बनता है तो इस पैटर्न को एक अच्छा बुलिश साइड बाय साइड ग्रीन लाइन पैटर्न कहा जाता है। ये मार्केट के अंदर दो तरह से काम करते हैं। अगर मार्केट अप ट्रेंड चल रहा है और इस दौरान अगर ये पैटर्न बनता है तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन को इंडिकेट करता है। लेकिन वहीं अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा हो और अगर इस तरह का पैटर्न बनता है तो मार्केट में यहाँ से तेजी देखने को मिल सकती है, यानी कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है, यानी कि ये बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। अगला पैटर्न है बेयरिश साइड बाय साइड ग्रीन लाइन पैटर्न। इस पैटर्न में पहला कैंडल रेड और दूसरा और तीसरा कैंडल ग्रीन होता है। इसमें दूसरा कैंडल पहले कैंडल के कंपैरिजन में गैप डाउन में ओपन होता है और दूसरा और तीसरा कैंडल लगभग समान होते हैं। इसमें दूसरे और तीसरे कैंडल का हाई पहले कैंडल के लो के नीचे होना चाहिए। अगर मार्केट के अंदर इस तरह का पैटर्न बनता है तो ये पैटर्न बेयरिश साइड बाय साइड ग्रीन लाइन पैटर्न कहलाता है। ये पैटर्न दो तरह से मार्केट के अंदर काम करते हैं। अगर मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है और अगर इस तरह का पैटर्न बनता है तो मार्केट में यहाँ से मंदी देखने को मिल सकती है, यानी कि ये ट्रेंड रिवर्सल को इंडिकेट करता है। और वहीं अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा हो और इस तरह का पैटर्न बन जाता है तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन को इंडिकेट करता है। अगला पैटर्न है कोलेप्सिंग डोजी स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। इस पैटर्न में पहला कैंडल ग्रीन होता है, दूसरा कैंडल पहले कैंडल के कंपैरिजन में गैप डाउन में ओपन होकर के डोजी कैंडल बनाता है और तीसरा कैंडल दूसरे कैंडल के कंपैरिजन में गैप डाउन में ओपन होकर के रेड कैंडल यानी कि बेरिश कैंडल बनाता है। इसमें दूसरे कैंडल का हाई पहले कैंडल के लो के नीचे होना चाहिए और तीसरे कैंडल का हाई दूसरे कैंडल के लो के नीचे होना चाहिए। अगर इस तरह का पैटर्न मार्केट में अप ट्रेंड के दौरान बनता है तो इस पैटर्न को एक अच्छा कोलैप्सिंग डोजी स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। ये पैटर्न मार्केट के अंदर जब बनता है तो इस पैटर्न के बनने के बाद मार्केट में मंदी देखने को मिल सकती है, यानी कि मार्केट में बेरिशनेस आ सकता है और ये पैटर्न बेरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। अगला पैटर्न है डेलिब्रेशन कैंडलस्टिक पैटर्न। इस पैटर्न में तीनों कैंडल ग्रीन कलर के होते हैं। दूसरे कैंडल का ओपन प्राइस पहले कैंडल के रियल बॉडी के 50% के नीचे होना चाहिए। दूसरे कैंडल का क्लोजिंग प्राइस पहले कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर होना चाहिए। तीसरे कैंडल का बॉडी छोटा होता है। तीसरे कैंडल का ओपन प्राइस दूसरे कैंडल के क्लोज के आसपास हो सकता है और तीसरे कैंडल का क्लोजिंग प्राइस दूसरे कैंडल के क्लोज के ऊपर होना चाहिए। अगर इस तरह का पैटर्न मार्केट के अंदर बनता है, इसके बाद अगर चौथा कैंडल रेड कलर का बन जाता है जो कि तीसरे कैंडल के लो के नीचे क्लोज करता है। अगर मार्केट में इस तरह का पैटर्न अप ट्रेंड के दौरान बनता है तो इस पैटर्न को डेलिब्रेशन कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। इस पैटर्न के बनने के बाद मार्केट में मंदी देखने को मिल सकती है, यानी कि मार्केट में बेरिशनेस आ सकता है और ये पैटर्न बेरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। अगला पैटर्न है डाउन साइड गैप थ्री मेथड्स पैटर्न। इस पैटर्न में पहला और दूसरा कैंडल रेड होता है और तीसरा कैंडल ग्रीन होता है। इसमें दूसरा कैंडल पहले कैंडल के कंपेरिजन में गैप डाउन में ओपन होता है और दूसरे कैंडल का हाई पहले कैंडल के लो के नीचे होता है। इसमें तीसरे कैंडल का ओपन प्राइस दूसरे कैंडल के बॉडी के अंदर होता है और तीसरे कैंडल का क्लोजिंग प्राइस पहले कैंडल के बॉडी के अंदर होता है। इससे पहले और दूसरे कैंडल के बीच का जो गैप था वो यहाँ पे फिल हो जाता है। अब गैप फिल होने के बाद क्या होता है, अगर चौथा कैंडल रेड बनता है जो कि तीसरे कैंडल के लो के नीचे अगर क्लोज करता है तो इस तरह का पैटर्न जब मार्केट में डाउन ट्रेंड के दौरान बने तो इस पैटर्न को डाउन साइड गैप थ्री मेथड्स पैटर्न कहते हैं। इस पैटर्न के बनने के बाद मार्केट में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है, यानी कि ये जो पैटर्न है ट्रेंड कंटिन्यूएशन को इंडिकेट करता है। अगला पैटर्न है अप साइड गैप थ्री मेथड्स पैटर्न। इस पैटर्न में पहला और दूसरा कैंडल ग्रीन होता है और तीसरा कैंडल रेड होता है। इसमें दूसरा कैंडल पहले कैंडल के कंपैरिजन में गैप अप में ओपन होता है और दूसरे कैंडल का लो पहले कैंडल के हाई के ऊपर होता है। इसमें तीसरे कैंडल का ओपन प्राइस दूसरे कैंडल के बॉडी के अंदर ओपन होता है और तीसरे कैंडल का क्लोजिंग प्राइस पहले कैंडल के बॉडी के अंदर क्लोज होता है, जिससे पहले और दूसरे कैंडल के बीच का जो गैप है ये गैप फिल हो जाता है। इस गैप के फिल होने के बाद अगर चौथा कैंडल ग्रीन कलर का बनता है और तीसरे कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज कर देता है तो इस तरह का पैटर्न जब मार्केट में अप ट्रेंड के दौरान बनता है तो इस पैटर्न के बनने के बाद ये मार्केट के ट्रेंड को कंटिन्यू रख सकता है, यानी कि ये जो पैटर्न है ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है और इसलिए इस पैटर्न को अपसाइड गैप थ्री मेथड्स पैटर्न कहा जाता है। अगला पैटर्न है थ्री ब्लैक क्राउस कैंडलस्टिक पैटर्न। इस पैटर्न में तीनों कैंडल रेड कलर के होते हैं, दूसरे कैंडल का क्लोजिंग प्राइस पहले कैंडल के क्लोज के नीचे होता है और तीसरे कैंडल का क्लोजिंग प्राइस दूसरे कैंडल के क्लोज के नीचे होता है। दूसरे कैंडल का ओपन प्राइस पहले कैंडल के रियल बॉडी के अंदर होता है और तीसरे कैंडल का ओपन प्राइस दूसरे कैंडल के रियल बॉडी के अंदर होता है। अगर मार्केट में इस तरह का पैटर्न अप ट्रेंड के दौरान बनता है तो इस पैटर्न को थ्री ब्लैक क्राउस कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। इस पैटर्न के बनने के बाद मार्केट में मंदी देखने को मिल सकती है, यानी कि मार्केट में बेरिशनेस आ सकता है और यह पैटर्न बेरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। और दोस्तों थ्री ब्लैक क्राउस कैंडलस्टिक पैटर्न की तरह ही यह पैटर्न भी काम करता है, जो कि आइडेंटिकल थ्री क्राउस है, जो कि सिमिलर वैसा ही है, काम वैसे ही करेगा। अप ट्रेंड के दौरान ये पैटर्न बनेगा। इस पैटर्न के बनने के बाद मार्केट में मंदी देखने को मिल सकती है, ये बेरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। फर्क सिर्फ इतना रहता है कि दूसरे कैंडल का ओपन प्राइस पहले कैंडल के क्लोज के आसपास हो सकता है
और तीसरे कैंडल का ओपन प्राइस दूसरे कैंडल के क्लोज के आसपास होता है। अगर इस तरह का पैटर्न बनता है तो इसको आइडेंटिकल थ्री क्रॉस पैटर्न बोला जाता है। अगला पैटर्न है थ्री व्हाइट सोल्जर्स पैटर्न। इस पैटर्न में तीनों के तीनों कैंडल ग्रीन होते हैं। दूसरे कैंडल का क्लोजिंग प्राइस पहले कैंडल के क्लोज के ऊपर होता है और तीसरे कैंडल का क्लोज प्राइस दूसरे कैंडल के क्लोज के ऊपर होता है। दूसरे कैंडल का ओपन प्राइस पहले कैंडल के रियल बॉडी के अंदर होता है और तीसरे कैंडल का ओपन प्राइस दूसरे कैंडल के रियल बॉडी के अंदर होता है। अगर मार्केट में इस तरह का पैटर्न डाउन ट्रेंड के दौरान बने तो इस पैटर्न के बनने के बाद मार्केट में बुलिशनेस देखने को मिल सकती है, मार्केट में तेजी देखने को मिल सकता है। इस पैटर्न को थ्री व्हाइट सोल्जर्स पैटर्न कहा जाता है और ये पैटर्न बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। अगला पैटर्न है थ्री इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न। इस पैटर्न में पहला कैंडल रेड और दूसरा और तीसरा कैंडल ग्रीन होता है। इसमें दूसरा कैंडल पहले कैंडल के रियल बॉडी के अंदर होता है और तीसरा कैंडल दूसरे कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज करता है, यानी कि ग्रीन कैंडल बनाता है। अब यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो पहला और दूसरा कैंडल मिल करके बुलिश हरामी पैटर्न बना रहा है जो कि बुलिश सिग्नल देता है। अब यहाँ पे तीसरा जो ग्रीन कैंडल है ये हम लोगों को यहाँ पे कंफर्मेशन दे रहा है कि मार्केट में ये अच्छे से काम करेगा। अब ये तीनों कैंडल मिलकर के थ्री इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है। ध्यान रहे कि ये पैटर्न मार्केट में डाउन ट्रेंड के दौरान बनना चाहिए, तभी हम लोग इसको थ्री इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न कहेंगे। इस पैटर्न के बनने के बाद मार्केट में तेजी देखने को मिल सकती है, यानी कि मार्केट में बुलिशनेस आ सकता है और ये पैटर्न बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। अगला पैटर्न है थ्री इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न। इस पैटर्न में पहला कैंडल ग्रीन और दूसरा और तीसरा कैंडल रेड होता है। इसमें दूसरा कैंडल पहले कैंडल के रियल बॉडी के अंदर होता है और तीसरे कैंडल का क्लोज दूसरे कैंडल के लो के नीचे होता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो पहला और दूसरा कैंडल मिल करके बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है जो कि बेरिश वाला सिग्नल देता है और तीसरे कैंडल से हम लोगों को यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रहा है कि ये बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न अच्छे से काम करेगा। अब ये तीनों कैंडल मिल करके बना रहा है थ्री इनसाइड डाउन पैटर्न। ये पैटर्न ध्यान रहे कि मार्केट जब अप ट्रेंड में रहे तभी बनना चाहिए। अप ट्रेंड के दौरान अगर इस तरह का पैटर्न बनता है तभी हम लोग इसको थ्री इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न कहेंगे। इस पैटर्न के बनने के बाद मार्केट में मंदी देखने को मिल सकती है, यानी कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है और ये बेरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। अगला पैटर्न है थ्री आउटसाइड अप पैटर्न। इसमें पहला कैंडल रेड और दूसरा और तीसरा कैंडल ग्रीन होता है। इसमें दूसरा कैंडल पहले कैंडल के रियल बॉडी को एनगल्फ कर लेता है और तीसरे कैंडल का क्लोज दूसरे कैंडल के क्लोज के ऊपर होता है। और यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो पहला और दूसरा कैंडल मिला करके क्या बन रहा है, बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है जो कि बुलिश सिग्नल देता है और ये तीसरा कैंडल हम लोगों को कंफर्मेशन दे रहा है कि बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न अच्छे से काम करने वाला है। और पहला दूसरा और तीसरा ये तीनों कैंडल मिलकर के थ्री आउटसाइड अप पैटर्न बना रहे हैं। ये पैटर्न मार्केट में डाउन ट्रेंड के दौरान बनना चाहिए। अगर डाउन ट्रेंड के दौरान इस तरह का पैटर्न बन रहा है तो इसको हम लोग थ्री आउटसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं और इस पैटर्न के बनने के बाद मार्केट में तेजी देखने को मिल सकती है, यानी कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है और ये पैटर्न बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। अगला पैटर्न है थ्री आउटसाइड डाउन पैटर्न। इस पैटर्न में पहला कैंडल ग्रीन और दूसरा और तीसरा कैंडल रेड होता है। इसमें दूसरा कैंडल पहले कैंडल को पूरी तरह से एनगल्फ कर लेता है और तीसरे कैंडल का क्लोज दूसरे कैंडल के क्लोज के नीचे होता है। यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो पहला और दूसरा कैंडल मिल करके बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है जो कि बेरिश सिग्नल देता है। इसमें तीसरा कैंडल हम लोगों को कंफर्मेशन दे रहा है कि ये बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न अच्छे से काम करेगा। यहाँ पर पहला दूसरा और तीसरा ये तीनों कैंडल मिल करके थ्री आउटसाइड डाउन पैटर्न बना रहे हैं। अगर मार्केट में इस तरह का पैटर्न अप ट्रेंड के दौरान बने तो इस पैटर्न को थ्री आउटसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। इस पैटर्न के बनने के बाद मार्केट में मंदी देखने को मिल सकती है, यानी कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है। ये पैटर्न बेरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। अगला पैटर्न है थ्री स्टार इन द साउथ पैटर्न। इसमें तीनों ही कैंडल रेड होते हैं। पहले कैंडल का लोअर शैडो लॉन्ग होता है। दूसरे कैंडल का ओपन प्राइस पहले कैंडल के रियल बॉडी के अंदर होना चाहिए और दूसरे कैंडल का क्लोजिंग प्राइस पहले कैंडल के क्लोज के नीचे होना चाहिए। दूसरे कैंडल का लो पहले कैंडल के लो के ऊपर होना चाहिए और तीसरा कैंडल बेरिश मारुबोजो कैंडल बनता है जो कि दूसरे कैंडल के रियल बॉडी के अंदर होना चाहिए। अगर मार्केट में इस तरह का पैटर्न डाउन ट्रेंड के दौरान बनता है तो इस पैटर्न को थ्री स्टार इन द साउथ पैटर्न कहा जाता है। इस पैटर्न के बनने के बाद मार्केट में तेजी देखने को मिल सकती है, यानी कि यह पैटर्न बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। अगला पैटर्न है यूनिक थ्री रिवर बॉटम पैटर्न। इस पैटर्न में पहला और दूसरा कैंडल रेड होता है और तीसरा कैंडल ग्रीन होता है। इसमें दूसरे कैंडल का रियल बॉडी पहले कैंडल के रियल बॉडी के कंपैरिजन में छोटा होता है। दूसरे कैंडल का लोअर शैडो बड़ा होता है। तीसरे कैंडल का बॉडी दूसरे कैंडल के बॉडी के नीचे होना चाहिए और तीसरे कैंडल का लो दूसरे कैंडल के लो के ऊपर होना चाहिए। अगर मार्केट में इस तरह का पैटर्न डाउन ट्रेंड के दौरान बनता है
तो इस पैटर्न को यूनिक थ्री रिवर बॉटम पैटर्न कहा जाता है। इस पैटर्न के बनने के बाद मार्केट में तेजी देखने को मिल सकती है, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है, मार्केट में बुलिशनेस आ सकता है और ये पैटर्न बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में आपको ऑल ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करके मेरा उत्साह जरूर रहेगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस को मिस ना कर सकें। और अगर आपने अभी तक कोई भी डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है तो आपको बेस्ट ब्रोकर का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप वहां से अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आप भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए फिलहाल अभी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।